हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनी थिंग्स चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस योर चैप्टर ऑफ योर बिहाई बुक ऑफ योर क्लास 9th, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आपको जैसे कि इसके टाइटल से ही पता हो रहा लग रहा होगा, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, कि एक सच्चा बहुत ही सुंदर दिमाग, जो कि इसमें किसके बारे में बात हो रही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात हो रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक सच्चा बहुत ही सुंदर माइंड था एंड वो साइंटिस्ट भी था। तो ये स्टोरी एक शॉर्ट बायोग्राफी है स्टूडेंट्स अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में उन्होंने क्या क्या अचीव किया और उनका कैसे साइंटिस्ट होने के बावजूद भी उनका क्या इतना सुंदर दिमाग कैसे था। सुंदर का कहने का मतलब है उनका ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमंस के बारे में भी सोचते थे वो, एक अच्छे इंसान भी थे साइंटिस्ट होने के बावजूद। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उन विदाउट एनी इंडिकेशन डेट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। डेस्टाइन का मतलब होता है किस्मत में, कि उसका कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि वो बहुत ही बड़ा इंसान बनेगा, कुछ भी ऐसा उसका लग नहीं रहा था। आइंस्टाइन का जन्म हुआ था स्टूडेंट्स 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी में उल्म, जिसका नाम था, एक जर्मन सिटी थी, जर्मनी में एक सिटी थी छोटी सी जिसका नाम उल्म था, और उसके चेहरे से कोई भी इंडिकेशन नहीं दिख रहा था या उसकी बॉडी से कि ये बहुत ही बड़ा इंसान बनेगा। On the contrary, his mother thought Albert was a freak. Freak होता है word used for disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. कि freak एक word use होता है किन लोगों के लिए, जो कि बहुत ही अलग से होते हैं, अजीब सी हरकतें करते हैं, ना ही वो सही से behave करते, दिखते भी अजीब से है और ना ही दूसरों की तरह सोचते हैं। इसका मतलब वो दूसरों से काफी अलग होते हैं, उसे एक वर्ड में बोले तो हम फ्रीक बोल देते हैं, पागल के आप पागल से थोड़ा सा नीचे समझ सकते हो। तो अब भी अल्बर्ट आइंस्टाइन को उसकी मम्मी क्या सोचती थी कि वो फ्रीक है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, जो उसकी मम्मी थी उसको क्या लगता था, उसका जो सर था वो बहुत बड़ा लगता था, नॉर्मल बच्चों से बहुत बड़ा लगता था, जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे हो वो ऐसा था। एट द एज ऑफ 2 and a half आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, जो वो 2.5 साल का हो गया जब तक वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। अटर्ड का मतलब होता है स्पोक, इसका मतलब कोई भी बोलना, इसका मतलब जब वो बोलने लगा, जब उसने बोलना सीखा तो वो हर एक बात को दो बार रिपीट करता था। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। तो अब उसके जो प्लेमेट्स थे उसको क्या बोलते थे, ब्रदर बोरिंग, कि बोरिंग हो तुम तो बहुत, क्योंकि आइंस्टाइन को दूसरे बच्चों के साथ खेलना नहीं आता था, जैसे दूसरे बच्चे खेलते थे एक दूसरे के साथ, वो नहीं खेलता था, वो अकेला ही रहता था, अपने आप में ही रहता था, और जो दूसरे चिल्ड्रन थे वो उसको क्या मानते थे, बोरिंग मानते थे, बहुत ही बोरिंग किस्म का ये तो बच्चा है कि किसी के साथ नहीं खेलता। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। यंगस्टर कहा गया यहाँ पे, अल्बर्ट आइंस्टाइन को यंगस्टर बोला गया, कि जो छोटा सा बच्चा अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो अपने आप ही खेलता रहता था, उसको किसी और की जरूरत नहीं थी। He especially loved mechanical toys. उसको ज्यादातर क्या, mechanical toys पसंद थे स्टूडेंट, जो इसका मतलब रोबोटिक कह सकते हो आप, जो फिजिक्स से रिलेटेड हो, और इससे ही पता लग रहा है उनका फिजिक्स में भी इसलिए क्या ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि उनका मैकेनिकल टॉयज में था और इसलिए उनका आगे जाके फिजिक्स में भी ऐसे ही इंटरेस्ट उभर गया और उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, He is said to have said, fine, but where are her two wheels? अब वो कह रहा है कि जब उसने नई उसकी बहन हुई जिसका नाम माजा था, तो उसने उसको देख के बोला, ठीक है ये तो वैसे
बट इसके व्हील्स कहाँ है? अपनी बहन को बोला उसके व्हील्स कहाँ है, या पे व्हील्स किसको बोला हुआ है उसने? व्हील्स बोला हुआ है फीट को, क्योंकि वो मैकेनिकल टॉयज देखता था, खेलता रहता था उनके साथ, तो यहाँ पे उसको समझ नहीं आ रहा था। जो वो सोचता था जिस भी चीजों पे हम चलते हैं, जो भी हमें सहायता करती है चलने में, उसे हम क्या बोलते हैं? व्हील्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे उसने अपनी बहन की फीट भी किससे कंपेयर किया है? व्हील्स से कंपेयर किया है। और ये भी हो सकता है कि वो पूरे दिन मैकेनिकल टॉय से खेलता रहता हो, वो रोबोटिक टॉय से खेलता रहता हो जो कि व्हील्स पे चलते हैं, तो वो इसलिए भी वो क्या फीट को, जो भी चीज किसी भी चीज को चलाती हो उसको समझता हो व्हील्स, व्हील्स ही चलाती है सब चीजों को, क्योंकि वो पूरे दिन मैकेनिकल टॉय से खेलता रहता था। हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर that what Einstein choose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. अब एक दिन उसके हेडमास्टर ने क्या बोला उसके पापा को, उसको बोला कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले, कोई भी चाहे प्रोफेशन चूज कर ले, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी चीज में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उसके बारे में नेगेटिव पर्सपेक्टिव था उनके हेडमास्टर का उसको देख के, क्योंकि वो बहुत ही लेट बोलना भी सीखा था और वो थोड़े बच्चों से अलग था। तो उसके हेडमास्टर ने पहले ही क्या कर दी थी, उसके भविष्यवाणी कर दी थी कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको चाहे किसी भी प्रोफेशन में भेज लीजिए, ये कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत ही नेगेटिव सा उनका रिएक्शन था। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। एमेच्योर मीन्स डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रेदर देन एज अ प्रोफेशन, कि समथिंग यू कैन से एज अ हॉबी, कि कुछ चीज अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए करना खाली, ना कि प्रोफेशन पैसा कमाने के लिए करना। वो अब वो जो था जब उसकी एज 6 थी, तो आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीखा, जो कि उसकी मम्मी चाहती थी कि वो बजाना सीखे, तो वो बाद में क्या गिफ्टेड एमेच्योर बन गया, वायलिनिस्ट बन गया, और उसने पूरी लाइफ वायलिन बजाता रहा वो। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, बट जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था वो एक गंदा बच्चा भी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिख वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 ईयर्स ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बता गया, लेकिन क्यों बोला गया कि वो वायलिन तो बजाना ही जानता था, और उसके अलावा वो क्या था, एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट भी था। स्टूडेंट्स वो एक पीपल का मीनिंग होता है स्टूडेंट, वो एक अच्छा बहुत ही अच्छा शिष्य भी था, और वो अपना हाई स्कूल उसने कहाँ किया, म्यूनिख से पूरा किया, म्यूनिख में गया, उल्म से वो म्यूनिख आया, वो अपने मदर फादर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जब वो 15 मंथ्स उसके बाद, और वहां पे भी उसने हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स पाए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ओपन क्लैश विद हिज टीचर्स। रेजिमेंटेशन मींस ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एक्सट्रीम, कि कोई भी ऑर्डर या डिसिप्लिन, कोई भी ऑर्डर लागू कर देना स्कूल में जो कि बहुत ही एक्सट्रीम उस पॉइंट तक फॉलो हो। तो जो वो था वो हमेशा इन चीजों से, रूल्स और रेगुलेशन से वो करता था, और इससे हमेशा उसकी टीचर से लड़ाई होती थी। जो जब उसकी 15 एज थी, तो उसने क्या कर दिया, उसको स्टिफल्ड हो रहा था, इसका मतलब अनेबल टू ब्रीथ और सफोकेटेड, सांस लेने में प्रॉब्लम होती, दम घुट रहा था स्कूल में, और ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। फॉर गुड का मीनिंग होता है यहाँ पे फॉर एवर, फॉर गुड का जहां पे भी होगा फॉर गुड लिखा हुआ था उसका मीनिंग होगा फॉर एवर। तो उसने स्कूल छोड़ दिया हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उसे स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसका दम घुट रहा था स्कूल में, तो इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। स्टूडेंट्स द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट आइंस्टाइन पेरेंट मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। अब जो एक साल बाद जब एल्बर्ट आइंस्टाइन वहां पे था, उसके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब उसके मम्मी पापा उसको छोड़ के कहां चले गए थे, मिलान। मिलान कहां पे, इटली में स्टूडेंट्स ये। तो वो जब चले गए थे जब उसने स्कूल छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिख। लिबरल का मतलब होता है विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, कि थोड़ा सा लीनियंट होना, दूसरों को समझना। तो म्यूनिख से ज्यादा लिबरल क्या था, स्विट्जरलैंड थी स्टूडेंट्स। तो बहुत ही लंबी डिस्कशन, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबी, लंबी डिस्कशन के बाद
आइंस्टाइन का क्या हुआ, उसकी विश कंटिन्यू रही कि आगे मैं पढ़ूंगा और कहाँ पे पढ़ूंगा, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जहाँ पे स्विट्जरलैंड में जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, तो उस सिटी में पढ़ूंगा, स्विट्जरलैंड में पढ़ूंगा, और वो ज्यादा लिबरल है, किससे, म्यूनिख से ज्यादा लिबरल है स्विट्जरलैंड, वहां पे इतने रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, थोड़ी लीनियंसी बरती जाती है स्कूल्स में, ये इतने ऑर्डर्स नहीं पास होते हैं। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। अब उसने क्या किया, वो मैथमेटिक्स में बहुत ही होशियार था स्टूडेंट्स, तो वो हाईली गिफ्टेड, इसका मतलब जो बचपन से ही होशियार होता है उसे हाईली गिफ्टेड कहते हैं, वो मैथमेटिक्स में बहुत होशियार था और उसका इंटरेस्ट फिजिक्स में भी था। तो उसने जब स्कूल अपना पूरा किया तो उसने सोचा कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा जो ज्यूरिख में है। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टेक। अब वॉलरस क्या होता है, वॉलरस आपने देखा होगा, एक एनिमल होती है जिसकी मूछ ऐसे निकली होती है, मोटी मोटी मूछ होती है, तो इसके मूछ के स्टाइल को देख रहे थे, तो उन्होंने वॉलरस के स्टाइल का मोस्टेक रखा था, मोस्टेक मतलब मूछ, तो मोस्टेक रखा था बेटा। तो कह रहे कि साइंस साइंस एक चीज नहीं थी जो उनको अट्रैक्ट करती थी, जो ये डैशिंग यंग मैन की जो बहुत ही हैंडसम लगते थे, बट ये और भी चीजें करते थे, जैसे कि एक उनकी बताई हुई है वॉलरस जैसी मोस्टेक उन्होंने रखी हुई थी, तो बहुत ही अच्छी उनकी मूछें भी थी। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मेरिक होम ही फाउंड टू बी क्लेवर क्रिएचर। क्लेवर क्रिएचर का मतलब उसे बहुत ही चलाक मानते थे वो, जो एक उन्होंने एक स्पेशल इंटरेस्ट भी शो किया जो उनके फेलो स्टूडेंट थी जिसका नाम था मिलेवा मेरिक, और उसको एक चलाक उन्होंने प्राणी समझा। तो क्यों समझा, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग बनती थी इसलिए। दिस यंग सब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। तो जो ये दिस यंग सब थी, तो ये कहाँ आई, यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख में पढ़ने आई, तो स्विट्जरलैंड क्यों आई, क्योंकि ये सर्बिया से आई, सर्बिया, सर्ब का मतलब है यहाँ पे सर्बिया से, इसका मतलब इंडियन बोलते हैं ना, जैसे इंडिया का होता है तो सर्बिया का जो होते हैं उन्हें बोलते हैं सर्ब, तो वो सबसे सर स्विट्जरलैंड आई किस लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि यूरोप में बहुत कम यूनिवर्सिटी थी जो कि वुमेन को, औरतों को उस वक्त डिग्रीज देती थी, क्योंकि उस वक्त इतना मॉडर्न जमाना था, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं थी, वुमेन को एजुकेशन कम मिलती थी, तो ऐसी बहुत ही कम यूनिवर्सिटी थी और उनमें से एक ये यूनिवर्सिटी थी। आइंस्टाइन सॉ हर इन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइन्स। एलाई मीनिंग अ फ्रेंड और एसोसिएट, की फिलिस्टाइन होता है वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट लिटरेचर और लिटरेचर और म्यूजिक, जो बंदे की इन चीज को प्यार नहीं करते हो। एलाई मतलब एक दोस्त बजाना, तो आइंस्टाइन और ये दोस्त बन गए दोनों, और किसके अगेंस्ट थे वो, फिलिस्टाइन्स के थे, किसके अगेंस्ट है, फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन होता है जो कि लोग किसको पसंद नहीं करते, आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक को बेकार चीज मानते हैं, क्योंकि उस वक्त वो समय था, उस वक्त इन चीजों को इतना अच्छा नहीं माना जाता था, आर्ट को, लिटरेचर को, म्यूजिक को इतना अच्छा नहीं माना जाता था, इनको बजाने वाले या इनकी नॉलेज वालों को नीचा माना जाता था, तो इसलिए ये दोनों इस चीज के अपोजिट थे, क्योंकि ये दोनों इन चीज आर्ट से, क्राफ्ट से, और इनसे सबसे प्यार करते थे, म्यूजिक क्योंकि आइंस्टाइन खुद ही बजाते थे और आर्टिस्ट भी थे एक अच्छे, तो इसलिए ये इन लोगों से नफरत करते थे, जो कि इन चीजों से नफरत करते हैं, इनके अगेंस्ट थे, और ये दोनों एकजुट हो गए इस मुहिम में जो कि मुमती इन लोगों के अगेंस्ट होना। तो अब वो फिलिस्टाइन से एक क्या थे, अगेंस्ट से फिलिस्टाइन कौन थे, जो कि इन चीजों को लाइक नहीं करते। दोस पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स, कि दोस पीपल एट ओड्स का मतलब होता है अपोजिट होना, अपोजिशन में होना, किसी के खिलाफ होना, तो जो भी उनके फैमिली में भी चाहे मेंबर होते थे, चाहे यूनिवर्सिटी में भी मेंबर होते थे, वो सारे क्या होते थे, इनके अपोजिट हमेशा, अपोजिट इसका मतलब अपोज करते थे, क्योंकि इनकी बिल्कुल ही अलग थ्योरी थी, इनकी अलग ही थिंकिंग थी, तो इनके हमेशा सब लोग अगेंस्ट रहते थे, और इन्होंने भी अपनी एक एलाई बना ली थी, इसका मतलब एक फ्रेंड जोन बना लिया था दोनों ने एकजुट होके, और इन चीजों के खिलाफ ये दोनों एकजुट होके लड़ते थे। तो इससे ये भी पता लगता है ये बहुत ही क्लोज हो गए थे स्टूडेंट्स, और इनका रिलेशन अच्छा हो रहा था,
द कपल फेल इन लव लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. तो अब ये दोनों प्यार में अब बढ़ गए. कपल था जो एक दूसरे के बारे में पीछे देखा था, फीलिंग्स कर रहे थे. अब उस वक्त लेटर्स होते थे तो लेटर्स इनके एक्सचेंज होने लगे, क्योंकि फोन्स तो होते थे ना, व्हाट्सएप होता था ना, शेयर चैट होता था, तो कुछ भी नहीं होता था, इंस्टा होता था, तो लेटर्स ही होते थे उस वक्त बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए स्टूडेंट. तो वो लेटर्स एक्सचेंज होने लगे उन पे, और उन्होंने अपने वर्ड्स लिखे जिनमें बहुत ही प्यार भरा हुआ था. और मिक्सिंग द साइंस विद द टेंडरनेस, इसका मतलब साइंस के साथ उन्होंने इमोशनल भी कुछ लिखा था. रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, we both have brought our work on relativity to a victorious occasion. अब conclusion, sorry. अब आइंस्टाइन ने क्या लिखा कि मैं कितना हैप्पी हूं और कितना गर्व महसूस कर रहा हूं, बहुत ही खुश हूं, जब हूंगा जब हम दोनों मिलके क्या करेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट है. इससे पता लग रहा है वो बहुत ज्यादा क्लोज है. अब वो ये अपनी फीलिंग भी जाहिर कर रहा है इस पे कि हम, मुझे बहुत प्राउड फील होगा, बहुत हैप्पी होऊंगा जब हमारा क्या रिलेटिविटी, जो उनका प्रोजेक्ट था रिलेटिविटी पे, वो कंप्लीट हो जाएगा और विक्टोरियस कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाएगा. कंक्लूजन होता है रिजल्ट कि एक विक्टोरियस होता है विजयी. तो जब वो विजयी कोई कंक्लूजन निकाल देंगे, इसका मतलब उसका कोई कंक्लूजन निकाल देंगे रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी का, जब वो बहुत ही खुश होगा. अब ये देख रहे हो उनकी क्लोजनेस दिखा रहा है कि दोनों मिलकर. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. जब वो 21 साल के हुए 1900 में, तो Albert Einstein क्या थे? यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो गए थे और अनएम्प्लॉयड थे, कि वो बेरोजगार थे, उनके पास कोई नौकरी नहीं थी. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bonn. अब पेटेंट क्या होता है स्टूडेंट? पेटेंट होता है एक डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर. एक डॉक्यूमेंट होता है स्टूडेंट जो कि राइट देता है इन्वेंटर को, जो कि उसने इन्वेंशन की है, कि कोई और यूज ना कर पाए उसके, विदाउट पूछे, विदाउट परमिशन कोई और यूज ना कर पाए, तो उसके लिए पेटेंट बनता है, एक डॉक्यूमेंट बनता है. तो टीचिंग असिस्टेंट के लिए उन्होंने क्या किया, पहले जॉब की टीचिंग प्राइवेट लेसन दिए, और 1902 में उन्होंने फाइनली एक टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिली पेटेंट ऑफिस में, जो कि बर्न में था. तो अब उसे टेक्निकल एक्सपर्ट की भी मिल गई 2 साल टीचर की तरह नौकरी करने के लिए. व्हाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर्स पीपल्स इन्वेंशन, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. अब वो कहता है जब वो दूसरे लोगों के इन्वेंशंस देख रहा था स्टूडेंट्स, तो क्योंकि वो एक उसमें ऑफिस में था, पेटेंट ऑफिस में था, तो बहुत सारे इन्वेंशन के लिए आते थे राइट्स खरीदने के लिए, तो आइंस्टाइन अपने बारे में भी, अपने आइडियाज भी कुछ चुपके चुपके तैयार कर रहा था, वो किसी को बता नहीं रहा था. ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. वो कहता है मजाक मजाक में, वो जो उसका डेस्क ड्रॉअर था जहां पे वो काम करता था, उसको वो क्या बोलता था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बोलता था वो स्टूडेंट, क्योंकि वो फिजिक्स के बारे में हमेशा पढ़ते रहते थे और उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस भी किए, तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो वहीं पे रखते थे अपने रिसर्च के. तो ये जो भी इन्वेंशंस उन्होंने की वहीं से स्टार्ट हुई, तो इसलिए वो क्या बोलते थे उस डेस्क को, अपने डेस्क को, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स स्टूडेंट्स. वन ऑफ द फेमस पेपर्स इन 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट क्या होता है, मेजर्ड इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, कि अपने आप में वो क्या करना, क्या करना, अपने आप में ही मेजर हो जाना और किसी चीज की जरूरत ना हो. तो ये साइंस में यूज होता है स्टूडेंट्स ये एब्सोल्यूट वर्ड. तो अब वो क्या कह रहे हैं, 1905 में जब आइंस्टाइन ने क्या किया, जो स्पेशल थ्योरी निकाली रिलेटिविटी की, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता था, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. जो टाइम एंड डिस्टेंस है वो अपने आप में खुद ही क्या नहीं हो सकते, टाइम और डिस्टेंस अपने आप में
क्या नहीं हो सकते, मेजर नहीं हो सकते, उनको और किसी चीज की जरूरत है, तो इसलिए वो एब्सोल्यूट थे। तो ये उनका न्यूज़पेपर में, फेमस न्यूज़पेपर में छपा आर्टिकल, इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टूगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। कि वो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा होगा कि अगर आप दो एक परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स भी रख के देखो एक साथ, वो भी सेम टाइम नहीं शो करेंगे जब एक जर्नी पूरी कर देंगे वो, जब एक क्लॉक वाइज पूरी जर्नी कर देंगे 12 घंटे कर देंगे, तो वो भी बिल्कुल सेम एक जैसी स्पीड पे नहीं चलेंगे। तो ये उन्होंने कहा, फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी is equal to mc square। अब वो क्या कह रहे हैं, इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन e stand for energy, m stand for mass, and c for the speed of the light in a vacuum about 300,000 km/s। तो अब ये क्या स्पीड दे रखी है लाइट की वैक्यूम में। तो स्टूडेंट्स अब ये फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो E is equal to mc square, जो कि किस किस का रिलेशन शो करता है, मास और एनर्जी का रिलेशन शो करता है स्टूडेंट्स, E is equal to mc का square। तो यहाँ पे E क्या है, E है एनर्जी, E एनर्जी किसके इक्वल होगा, मास, m और c क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, जो वैक्यूम होती है इसका मतलब जहां पे नो एयर होती है उसे हम बोलते हैं वैक्यूम, कि जहां पे बिल्कुल भी हवा ना हो, और वहां पे उसकी स्पीड क्या होती है, 300,000 km/s, ये स्टैंडर्ड स्पीड होती है लाइट की, कि वैक्यूम में हमेशा ये स्पीड रहेगी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने और क्या बोला, व्हेन यू सीट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes, व्हेन यू सीट ऑन अ हॉर्स स्टॉप फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours, दैट्स रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि जब आप एक अच्छी सी लड़की के साथ बैठो 2 घंटे रहो, तो क्या इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, वो इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स कि वो 2 मिनट के जैसे लगेंगे, बट अगर आप इसी वक्त हॉट स्टॉप पे बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, वो 2 मिनट भी आपको क्या लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे यही, इसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी, कि हमेशा रिलेटिविटी, इसका मतलब जो है एनर्जी है वो किस पे नहीं करती, टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। व्हाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, अनरेवलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू फेल, इसका मतलब फेल होने लगी, उसकी अच्छी लाइफ नहीं चल रही थी। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की फिजिक्स में, बट जो उनकी पर्सनल लाइफ थी, जो उनकी प्राइवेट लाइफ थी स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रही थी, फेल हो रही थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन हैड वॉन्टेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। वो अपनी पढ़ाई करने खत्म करने के बाद मिलेवा से क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता था, बट जो उनकी मदर थी पॉलिन आइंस्टाइन, वो क्या थी, शादी के खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। शी, अब उसने मिलेवा क्या, वो क्या सोचती थी, उसकी माँ थी जो पॉलिन आइंस्टाइन, वो सोचती थी जो मिलेवा, जो इससे 3 साल बड़ी आइंस्टाइन से, वो बहुत ही बड़ी रहेगी मेरे बेटे के लिए। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, शी इज अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, उसकी माँ उसके इंटेलिजेंस पे से भी वो करती थी, जेलस करती थी, इसका मतलब उसको ये भी लगता था कि ये बहुत इंटेलिजेंट है और ये भी तुम्हारे की तरह बुक है, जैसे कि तुम किताबी एक कीड़ा हो, ये भी एक किताबी कीड़ी है। और आइंस्टाइन ने फिर अपनी शादी को आगे टाल दिया और उनसे मिलेवा से शादी नहीं की। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons, बट अब जो इन्होंने था, जो ये कपल था, इन्होंने आखिर में शादी कर ली 1903 में और 2 उनके लड़के भी हुए। बट अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड, जो फाल्टर्ड का मीनिंग होता है बिकम वीक, कि कमजोर होने लगी, कुछ ही सालों बाद उनकी शादी क्या कमजोर पड़ने लगी, उनमें इतना प्यार नहीं रहा। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एंबिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ,
जो मिलेवा थी वो क्या अपनी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी उसके जो शो पावर थी सोचने की, थिंकिंग पावर थी, वो उसकी कम होने लगी। वो अब वैसे नहीं सोच पा रही थी और एक वो हाउसवाइफ बन के रह गई थी जो दुखी थी। आफ्टर इयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1990। 1919 में आखिरकार बहुत सालों की लड़ाई के बाद जो कपल था उन्होंने डिवोर्स ले लिया। किस ईयर में? 1919 में, बहुत इतने सालों की किसके बाद? लड़ाई के बाद। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। उन्होंने अपनी कजन, जो उनकी कजन थी जिसका नाम था एल्सा, उनसे शादी कर ली उसी ईयर में। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद द राइज टू वर्ल्ड फेम। जो उनका था, क्या कहते हैं, नया पर्सनल चैप्टर था, एल्सा से शादी हुई थी, वो क्या एक वर्ल्ड फेम में, क्या दुनिया में एक नई क्या हो गई, आवाज उठ गई, इसका मतलब बात बन गई पूरी दुनिया में और उनको बहुत ही क्या उनका न्यूज में नाम रहने लग गया इस कारण कि उनकी शादी उनके कजन से हो गई है। इन 1915 ही हैड पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रेविटी। 1915 में उन्होंने अपनी नई जनरल थ्योरी दी रिलेटिविटी के ऊपर, जिसने क्या ग्रेविटी के बारे में नई चीजें, बहुत सारी चीजें बताई। वो क्या बताई वो अब हम देखेंगे। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919। अब उन्होंने क्या बताई थी, ये उन्होंने 1915 में ही बता दी थी ग्रेविटी के बारे में बहुत सारी चीजें, और रिलेटिव जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी उन्होंने 1915 में ही बता दी थी। क्या बताई थी? एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। कि 1919 में जो सन का एक्लिप्स हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि जो भी उन्होंने फाइंडिंग्स की थी अपने उसमें वो बिल्कुल ही ठीक थी। ये आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। डिफ्लेक्टेड का मीनिंग होता है चेंज डायरेक्शन बिकॉज ऑफ टू हिट समथिंग, कि किसी चीज से भिड़ के अपनी डायरेक्शन चेंज कर देना। अब उन्होंने 1915 में ही 1919 के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी चार साल पहले ही, जो कि अगर सूर्य ग्रहण होगा तो हमें क्या दिखेगा, स्टार, और जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में एक्चुअल स्टार की पोजिशन अलग है और ऑब्जर्व स्टार की अलग पोजिशन है। जो एक्चुअल स्टार है और जो अर्थ है उसके बीच में क्या आ गया, सन आ गया। तो सन आ गया तो सन से टकराएगी उसकी रोशनी और डिफ्लेक्ट होके कहा जाएगी, अर्थ पे जाएगी। तो हमें ऑब्जर्व्ड अलग जगह दिखेगा, जो ओरिजिनल पोजीशन होगी स्टार की उससे अलग दिखेगा। इसे ही उन्होंने क्या चार साल पहले 1915 में बता दिया था कि ऑब्जर्व स्टार क्या एक्चुअल स्टार से अलग दिखेगा, एक्चुअल स्टार की जो पोजीशन होगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी सन के बीच में आने से, सन और अर्थ के सॉरी स्टार के बीच में सन आने से, स्टार और अर्थ के बीच में सन आने से डिफ्लेक्ट हो जाएगी सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से। और न्यूज़पेपर ने ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन घोषित कर दिया कि ये एक साइंस का रेवोल्यूशन है, कि ये बहुत ही बड़ी खोज है जो आइंस्टाइन ने की है। आइंस्टाइन रिसीव द नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में उन्हें नोबल प्राइज मिला। नोबल प्राइज होता है कि किसी भी फील्ड में जब आप कोई बहुत ही उत्तम काम करते हो। ये स्वीडन के एक साइंटिस्ट ने, ये अल्फ्रेड नोबल जिनका नाम था, उन्होंने क्या किया था, ये अपना विल में लिखा था, जो कि 1895 की मरे थे वो, जब उन्होंने अपनी विल में लिखा था। और पहला 1901 में हम ये मिला था, नोबल प्राइज मिला था। तो अब 1921 में इन्हें भी नोबल प्राइज मिला आइंस्टाइन को। ही वाज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इनविटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लोडेड बाय द प्रेस। अब उन्हें क्या मिल रहा था स्टूडेंट्स, बहुत ही सम्मान मिल रहा था हर जगह से, और हर जगह से इन्विटेशन मिल रहा था दुनिया में। और लोडेड बाय द प्रेस, लोडेड का मतलब होता है प्रेज्ड, इसका मतलब उनकी हमेशा हर जगह तारीफ हो रही थी, प्रेस में, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह उनकी तारीफ हो रही थी बहुत ज्यादा। तो अब क्योंकि वो फेमस हो गए थे, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल गया था, इसलिए
अब क्या हुआ, व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. एमिग्रेटेड होता है लिविंग वंस ओन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अदर कंट्री. तो आइंस्टाइन क्या एक अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चला गया था. क्यों चला गया था? क्योंकि नाजीज पावर में आई थी. नाजीज किसकी पार्टी थी? एडोल्फ हिटलर की. आपने एडोल्फ हिटलर के बारे में सुना होगा, सबसे बड़ा शासक रहा है, डिक्टेटर सबसे बड़ा रहा है. तो जब वो पावर में आया 1933 में, तो आइंस्टाइन ने क्या कर दिया, छोड़ दिया. क्या छोड़ दिया? अपनी कंट्री और अमरीका चला गया. 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अपहोर. अपहोर का मतलब होता है वेरी अपसेट, बहुत दुखी हो जाना. तो 5 साल बाद जब अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे, उन्हें फिजिस्ट थे, उन्हें पता लगा कि बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन का वो हो गया. न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है जो एटॉमिक बॉम्ब में यूज होता है, बनाने में यूज होता है. जिस प्रोसेस पे एटॉमिक बॉम्ब काम करता है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिजन. तो वो न्यूक्लियर फिजन, इसका मतलब उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब का क्या कर लिया था, आविष्कार कर लिया था बर्न में. और इस कारण जो अमेरिका के जो फिजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, वो बहुत ही दुखी थे, बहुत ही अपसेट थे. क्यों अपसेट थे? क्योंकि उन्होंने बना लिया है अब हिटलर, क्योंकि ऐसा शासक था वो किसी के ऊपर भी इससे हमला कर सकता था. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड. नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड अटैक द एटॉमिक बॉम्ब. अब जो सारे थे, फैसिज्म होता है डिक्टेटरशिप को कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम फैसिज्म. ये जो डिक्टेटरशिप थी सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी? इटली से शुरू हुई थी स्टूडेंट्स, और कुछ यूरोप की कंट्रीज तक गई थी. तो जो हिटलर थे वो भी बहुत ही बड़ा क्या थे, डिक्टेटर थे. तो फैसिज्म होता है डिक्टेटरशिप. तो बहुत सारे लोग उस वक्त क्या किए थे, एमिग्रेट करे थे. किस वजह से? फैसिज्म की वजह से, डिक्टेटरशिप की वजह से. और उसमें से एक आइंस्टाइन भी था. और अब वो डर रहे थे कि हम वहां से तो भागा है, बट नाजीज ने क्या बना लिया है, एटॉमिक बम बना लिया है, और वो हमारे ऊपर उससे क्या पता हमला ना कर दे. तो वो इस बात से घबरा रहे थे सारे के सारे. साइंटिस्ट भी थे और भी लोग थे जो कि भाग के आए थे जर्मनी वगैरह से या और डिक्टेटरशिप कंट्री से. एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ऑन 2 August 1939 इन विच ही वॉर्न्ड अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टूगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी. अब वो क्या कह रहे हैं, एट द अर्जिंग ऑफ द कोलीग, एक रिक्वेस्ट करने, एक कोलीग ने उनको रिक्वेस्ट की, जिसपे आइंस्टाइन ने अमेरिका प्रेसिडेंट को, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट उस वक्त कौन थे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट. 2 August 1939 को उन्होंने लिखा और उनको वॉर्न भी किया लेटर लिखते हुए. क्या वॉर्न किया? कि जो ये इस प्रकार का बॉम्ब है जो बर्लिन में खोजा गया है, जिस आविष्कार हुआ है, वो एक ही बॉम्ब क्या पूरे पोर्ट को उड़ा सकता है. और वो पोर्ट, पोर्ट के साथ पूरे पोर्ट को तो उड़ा ही सकता है अगर पोर्ट में फूटा तो, और उसकी आइट साइड का एरिया भी बहुत सारा डैमेज कर सकता है. तो अब उसमें आइंस्टाइन अब वॉर्म कर रहे हैं. अब इससे ये भी पता लगता है वो कितने अच्छे इंसान है. उनको वर्ल्ड में पीस के लिए हमेशा शांति बनाए रखनी थी, उन्हें क्या नहीं चाहिए था, दंगा फसाद नहीं चाहिए था. इसलिए उन्होंने जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनको लेटर लिखा और वॉर्न किया इस बारे में. हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट. जो उनके वर्ड्स थे, जो उन्होंने लेटर लिखा था, उसका इफेक्ट दिखा बहुत ही जल्दी अमेरिका पे. ये नहीं हुआ कि उनकी जो उनका नजरअंदाज किया गया हो. द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापानी सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन August 1945. जो अमेरिका था उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब क्या कर लिया, डेवलप कर लिया चुपके चुपके, किसी को बिना बताए. ये जबकि बात है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था स्टूडेंट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान की ये बात है. तो अमेरिका ने भी एटॉमिक बॉम्ब क्या कर लिया, डेवलप कर लिया. और इसका सबसे पहले क्या प्रोजेक्ट कहां पे क्या इसका वो किया, फेंक के इसका टेस्ट किया हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान की सिटीज है उन पे फेंक के सबसे पहले क्या किया, टेस्ट किया स्टूडेंट्स. तो ये बहुत ही बुरा इफेक्ट रहा था इसका, जो आपको अभी तक वहां पे अफेक्टेड एरियाज नागासाकी और हिरोशिमा के
जो कि इससे अफेक्ट हुए थे। तो अब इसमें ये बता रहे हैं कि बर्लिन में तो जो बर्लिन वालों ने किया था उन्होंने तो बस खोजा ही था, इन्होंने फैक्ट भी दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जो आइंस्टाइन था वो बहुत ही अंदर से हिल चुका था जो ये डिस्ट्रक्शन हुआ था, तबाही हुई थी। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव, इस टाइम उसने एक पब्लिक लेटर लिखा बहुत ही लंबा और ऑफिशियल टू द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि इसमें उसने लिखा इस बड़े से लेटर में कि हमें पूरी दुनिया के लिए गवर्नमेंट बनानी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू द रूजवेल्ट, अब इसको क्या नहीं मिली, मेड नो इम्पैक्ट। जो अब वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने वो, इससे पता लग रहा है कि बहुत ही शांति प्रिय आदमी था ये, इनको दंगा फसाद और वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं था, नॉन वायलेंस इनको पसंद था और सपोर्ट करते थे। अब इन्होंने एक पब्लिक लेटर लिखा यूएन को और उसमें क्या लिखा कि एक दुनिया की, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट होनी चाहिए। अनलाइक द लेटर ऑफ द रूजवेल्ट, जैसे रूजवेल्ट का इम्पैक्ट हुआ था, इस लेटर का किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। But over the next decade, Einstein got even more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. अब कह रहे हैं अगले 10 साल, डेकेड होता है 10 साल, अगले 10 साल वो पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व रहे। जो पॉलिटिक्स होती है नेतागिरी उसमें बहुत इन्वॉल्व रहे और उन्होंने बहुत जगह प्रोटेस्ट किया। किसके लिए प्रोटेस्ट किया कि इनको खत्म करो, जो ये आर्म्स है इसका मतलब जो हथियार है इनको खत्म करो और अपनी पॉपुलैरिटी की चीज में यूज की कैंपेन करने के लिए, पीस और डेमोक्रेसी को कैंपेन करने के लिए, शांति और जो डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट करने के लिए। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीजन एज अ साइंटिफिक जीनियस। अब जब वो 1955 में मर गया, विजनरी का मतलब होता है पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, कि एक बंदा जो फ्यूचर के बारे में सोच सके जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो ऐसे थे आइंस्टाइन कि वो फ्यूचर के बारे में सोचते थे और फ्यूचर के बारे में हमेशा सोच के डिसीजन लेते थे। तो आइंस्टाइन जब 1955 में, जब वो 76 एज के थे, जब उनकी डेथ हो गई और वो क्या सेलिब्रेट, उनको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, एक विजनरी की भविष्य को सोचने वाला आदमी है और लोगों के बारे में सोचने वाला आदमी है एंड अ वर्ल्ड सिटीजन, और वर्ल्ड सिटीजन भी है इसका मतलब पूरी दुनिया का सिटीजन भी है, इसका मतलब पूरी दुनिया के बारे में वो सोचता है, अकेला अपने अपने बारे में नहीं सोचता है, एंड एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, और इसके साथ ही वो एक साइंटिफिक जीनियस भी था। तो इसमें बताया गया वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे, उसके ह्यूमन बीइंग भी थे, उसके अलावा वो क्या थे, बहुत ही जबरदस्त एक जीनियस साइंटिस्ट भी थे और वेल सिटीजन कहने के लायक भी थे। इसका मतलब वो पूरी दुनिया में क्या प्रमोट करना चाहते थे, पीस प्रमोट करना चाहते थे, शांति प्रमोट करना चाहते थे और वायलेंस को बिल्कुल मिटाना चाहते थे। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस सब्सक्राइब टू विनर थिंग्स क्लासेस। Thanks again, student.